फंडामेंटल प्रोसेस को। तो यूनिट नंबर थ्री एक इम्पॉर्टेंट यूनिट के तौर पे कंसीडर किया जाता है सीएसआईआर के लिए, और उसमें फंडामेंटल प्रोसेस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट वो मेंशन किया जाता है वो है सेंट्रल डोगमा का। जब हम इस पर्टिकुलरली टॉपिक के ऊपर बात करते हैं तो सेंट्रल डोगमा बेसिक तौर पे लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ कुछ ही फिनोमिना को, लेकिन ओवरऑल ऑफ सेंट्रल डोगमा जो है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा मैं उसको यहाँ पे मेंशन करूंगा। हम बात करते हैं कि हमारे पास जेनेटिक मटेरियल जो होता है किसी भी पर्टिकुलरली ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो आपके प्रोकैरियोट्स हो यूकैरियोट्स हो, उनमें ज्यादातर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। वो सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकता है या लीनियर फॉर्म में भी हो सकता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है एज एन जेनेटिक मटेरियल मोस्टली प्रेजेंट होते हैं आपके सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। बेसिक तौर पे जो पहला स्टेप सेंट्रल डोगमा का रिप्रेजेंट किया जाता है वो है रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, और ये बनाना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि डॉटर सेल्स में जो है दो डॉटर सेल्स जब बनती है सेल डिवीजन के टाइम पे तो इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल दोनों में रहे, इसके लिए सेल को या डीएनए को पहले खुद को रिप्लिकेट करना यानी अपनी दो कॉपी बनाना बहुत जरूरी है। सो रिप्लिकेशन के तौर पे जो है एक डीएनए मॉलिक्यूल अपनी दो कॉपी बनाता है। अब इस दो कॉपी के तौर पे हो सकता है कि उस डीएनए मॉलिक्यूल में जब दो कॉपी आपको मेंशन करते तो उसमें कोई चेंजेस लार्ज लेवल पे चेंजेस हो सकते हैं। उन चेंजेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं रिकॉम्बिनेशन से। रिकॉम्बिनेशन के थ्रू लार्ज लेवल पे चेंजेस हो सकते हैं या वो चेंजेस हो सकते हैं आपके स्मॉलर लेवल पे जिसके रीजन जो है वो म्यूटेशन हो सकता है। तो जो भी डीएनए रिप्लिकेटेड फॉर्म में जा रहा है उसमें चेंजेस पॉसिबल है, या तो लार्जर लेवल पे चेंजेस पॉसिबल है या स्मॉलर लेवल पे चेंजेस पॉसिबल है। अब यहाँ पे अगर हम मेंशन करें तो लार्जर लेवल पे जो चेंजेस जिस मैकेनिज्म से स्पेसिफिक तौर पे हम बोलते हैं कि लार्जर लेवल पे जिस मैकेनिज्म के थ्रू चेंजेस होते हैं उस मैकेनिज्म को हम डिस्क्राइब करते हैं रिकॉम्बिनेशन के फॉर्म में, और स्मॉलर लेवल पे जो चेंजेस डीएनए मॉलिक्यूल में होते हैं उस प्रोसेस को हम डिस्क्राइब करते हैं म्यूटेशन के तौर पर। इन दोनों चीजें चाहे वो रिपेयर्ड रिप्लिकेटेड डीएनए हो या कोई भी रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन के फॉर्म का डीएनए हो, वो अल्टीमेटली एक रिपेयर पाथवे के तौर पे जाना जाता है, जहां पे डीएनए कहीं पे कोई मिस्टेक अगर हुआ है चाहे वो रिकॉम्बिनेशन की वजह से या म्यूटेशन की वजह से, तो उसको रिपेयर पाथवे में ले जाया जाता है। तो एक लार्जर तौर पे मेंशन किया जाए तो सेंट्रल डोगमा में ये एक प्रोसेस आता है रेप्लिकेशन के बाद रिकॉम्बिनेशन म्यूटेशन और रिपेयर का, जो हम जनरली कंसिडरेशन में नहीं लेते। इसके अलावा जो सेकेंड स्टेप होता है कि डीएनए क्योंकि एक मोस्ट इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है, ये अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्रिप्ट करता है किसी और फॉर्म में, और उस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं हम एमआरएनए के तौर पे या आरएनए के तौर पे। आरएनए कई अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, लेकिन जिस फॉर्म में डीएनए अपना इंफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्ट करता है उसको हम एमआरएनए के तौर पे कंसिडरेशन में लेते हैं। एमआरएनए यूकैरियोटिक सिस्टम में जो है वो प्रॉपरली ट्रांसलेशन के लिए तैयार नहीं होता। उस ट्रांसलेशन पे ले जाने के लिए यहाँ पे एक प्रोसेस कैरी आउट होता है जिसको हम प्रोसेसिंग के तौर पे जानते हैं। प्रोसेसिंग का मतलब स्प्लाइसिंग भी हो सकता है, एडिटिंग भी हो सकता है। देयर इज अ लॉट्स ऑफ मैकेनिज्म जो कि प्रोसेसिंग में रोल प्ले कर सकते हैं। इनके बाद आरएनए अपने आप को मॉडिफाई करता है बेसिक तौर पे, दैट एक तरफ कैपिंग करता है और दूसरी तरफ जो है वो पॉलीएडेनाइलेशन और कुछ और मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। अब ये आरएनए जो है वो प्रोसेस्ड आरएनए के तौर पे कंसीडर किया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो जनरली आरएनए बनता है उसको हम इमेच्योर आरएनए के तौर पे कंसीडरेशन में लेते हैं, और फिर जब वो आरएनए प्रोसेसिंग के बाद डेवलप होता है तो उसको हम मेच्योर आरएनए के तौर पे कंसिडरेशन में लेते हैं। ये मेच्योर आरएनए जो है फिर एक प्रोसेस के तौर पे जाना जाएगा जिसको हम मेंशन करते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन एक प्रोसेस होता है जहां पे जो इंफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्ट यानी एमआरएनए कैरी कर रहा होता है वो एमआरएनए से उस इंफॉर्मेशन से प्रोटीन डेवलप किया जाता है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। नाउ जो राइबोसोम्स है वो राइबोसोम्स एमआरएनए के ऊपर जो कोडॉन्स होते हैं या जो कोड इंफॉर्मेशन होते हैं जो डीएनए दिया हुआ है उस इंफॉर्मेशन से प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। यहाँ पे राइबोसोम्स जो कि बेसिक तौर पे राइबोसोमल आरएनए के बने होते हैं, राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन, इसमें राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन राइबोसोम्स, एमआरएनए जो कि कोडॉन्स कैरी कर रहा है, और कुछ आपके टीआरएनए जिसके पास एंटी कोडॉन्स होते हैं और अमीनो एसिड्स होते हैं, तीनों आरएनए मिलके प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं और प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाता है।
ट्रांसलेशन तक ही सेंट्रल डोग्मा सीमित नहीं रहता, क्योंकि कई सारे कम लिटरेचर्स में या बेसिक लिटरेचर्स में लोग सेंट्रल डोग्मा के तौर पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सेंट्रल डोग्मा के तौर पे ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, दैट इज नॉट अ बेसिक सेंट्रल डोग्मा। ओवरऑल देखें तो डीएनए रिप्लिकेशन भी बना दे रहा है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग के बाद ट्रांसलेशन, और ये प्रोटीन अभी स्ट्रक्चरल फॉर्म में हो सकता है लेकिन फंक्शनल फॉर्म में नहीं है। तो देयर इज अनदर प्रोसेसिंग, दिस इज जिसको हम बोलते हैं पीटीएम, यानी कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, और वो फिर प्रोटीन को मॉडिफाई करेगा। तो ओवरऑल सेंट्रल डोग्मा को हम कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सवाल ये आता है कि आखिर ये जो इंफॉर्मेशन है, उस सभी इंफॉर्मेशन का पेरेंटल मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसको कि जेनेटिक मटेरियल के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एक लॉन्ग बायो मॉलिक्यूल के तौर पे कंसिडरेशन में लिया जाता है, लेकिन पूरे सेल के अंदर अगर डीएनए थ्रेड को देखा जाए तो डीएनए थ्रेड लगभग लगभग अगर पूरा खोल दिया जाए तो लगभग 2.2 मीटर का हो सकता है। अगर पूरे डीएनए थ्रेड को हम प्रॉपर ओपन कर दें, जो ह्यूमन में पाया जाता है, वो उसका लेंथ जो है 2.2 मीटर के आसपास हो जाता है। अब अगर एक डीएनए लगभग 2 मीटर का है तो उस छोटे से सेल में कैसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में अरेंज्ड रहता है, ये बड़ा सवाल आता है।